तो ये रिपोर्ट आपने देखी। हालांकि इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी इन्फ्लुएंशियल प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, देश की ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, लेकिन इन दो महिलाओं का जिक्र हमने रिपोर्ट में इसीलिए किया क्योंकि आज देश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं और ये दोनों महिलाएं महिला सुरक्षा को लेकर निरंतर प्रयास कर रही हैं, उन्हें सशक्त करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, क्योंकि महिला सुरक्षा आज अहम हो चुकी है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, ना सिर्फ लड़कियों के लिए, बल्कि छोटी छोटी देश की मासूम बच्चियों के लिए भी। तो हम आज ये नहीं कह सकते हैं कि आज देश में महिला सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं होती, कोई बहस नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे सकारात्मक बिंदु भी हैं जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसी भयंकर, कुछ ऐसे हीनियस क्राइम हुए जिन्हें हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन बातों का, उन घटनाओं को जब भी हम जिक्र करते हैं या वो घटनाएं जब भी हमारे जहन में आती हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज देश की जो स्थिति है वो संदेहात्मक स्थिति बन चुकी है। किस तरीके की आज स्थिति बन चुकी है हम आपको ये दिखाना चाहते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए आज देश की संदेहात्मक स्थिति किस तरीके की है। कभी समृद्धि, कभी ज्ञान, कभी बल, कभी विजय के लिए जहां सर झुकते हैं माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, बस मंदिरों में बसते हैं। अहिल्याबाई रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई चांद बेबी शक्ति की सशक्त परिभाषा भर है। ना जाने कब कैसे नारी अबला हुई, अधिकार विहीन हुई, निर्भर हुई, मंदिरों में पूजी जाती आज नारी घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं। आज कहीं लड़ाई बराबरी की है, आरक्षण की है, मान सम्मान की है, स्वाभिमान की है, जो खुद शक्ति का पर्याय है उसे खुद सशक्तिकरण की ही दरकार है। अगर हम अपने इतिहास पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि उस जमाने में पांचाली प्रथा हुआ करती थी जिसके तहत एक महिला यानी कि द्रौपदी को पांच पुरुषों यानी पांडवों से विवाह करने की अनुमति दी गई थी। ये वो तथ्य है जो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर पर्दे के पीछे की बात की जाए तो दफ्तरों, घरों, सड़कों आदि पर महिलाओं पर किए गए अत्याचारों से अनजान है। पिछले कुछ समय में ही महिलाओं पर तेजाब फेंकना, दुष्कर्म, बलात्कार होना, यौन उत्पीड़न जैसी वारदातों में एकाएक वृद्धि आई है। इन घटनाओं को देखने के बाद तो लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के अंदर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने सारी हदें पार कर डाली। अगर आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इससे यही पता चलता है कि एक साल में अमूमन हर तीन में से दो महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। यही मुख्य वजह है जिस वजह से पुलिस महिलाओं में अपना विश्वास खोती जा रही है। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के करवाए गए एक सर्वे में ये पाया गया कि औसतन 100 में से 80 महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये जरूरी नहीं कि महिला उत्पीड़न सिर्फ देर शाम या रात में ही हो, बल्कि घर पर किसी परिजन के द्वारा या दफ्तर में साथ काम करने वाली सहभागी द्वारा भी ऐसे चकित करने वाले मामले उजागर हुए हैं। एक और गैर सरकारी संस्था द्वारा किए गए सर्वे में ये पाया गया कि इन बढ़ते अपराधों के पीछे मुख्य कारण था काम करने वाली जगह में आपसी सहयोग की कमी, ना के बराबर पुलिस सेवा, खुलेआम शराब का सेवन, नशे की लत और शौचालयों की कमी। अब अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनकी संख्या का एक बड़ा हिस्सा इस तर्क पर ना के बराबर विश्वास करता है कि पुलिस इन बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम लगा पाएगी, एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसीलिए इस तरफ अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे महिला अपराध के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके और महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए पुरुषों के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित और समृद्ध बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके।